हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अरबी की खस्ता पूरी। देखेंगे किस तरह से बनाना है। ये देखिए, अरबी की खस्ता पूड़ी बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। ये मैंने अरबी ली है, कुछ थोड़ी सी जो मैंने उबाल ली है इसको, और ये बेसन लिया है 2 टेबल स्पून, और ये गेहूं का आटा लिया है 1 बाउल, और ये मैंने काला नमक और सादा नमक लिया है 1 चम्मच, और ये मैंने लिए मिर्ची कटी हुई 1, और हींग ली है, और ये कुटी हुई सौंफ ली है, और थोड़ी हल्दी ली है, और मिर्ची ली है 1 बड़ा चम्मच, और अजवाइन ली है, और धनिया, हरा धनिया लिया है। अब हम इसको अरबी को छील लेते हैं और ये सब सामग्री मिला के एक डो तैयार कर लेंगे। और 2 टेबल स्पून हमको तेल चाहिए इसमें। ये देखिए, अरबी छील ली हमने। अब इसमें हम आटा मिला देंगे। आटे में अच्छी तरह से इसको मैश करना है हमको, और 2 चम्मच तेल डाल दें। अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मैश कर लेते हैं पहले। ये देखिए, अच्छी तरह मैश हो गया। अब हम सब सामग्री इसमें मिला देंगे। ये हमने बेसन लिया है 2 बड़े चम्मच, सादा नमक, काला नमक, हरी मिर्ची, हींग, सौंफ कुटी हुई, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया हरा, इन सबको मिला के हम एक डो तैयार कर लेते हैं। अच्छा कट्ठा पूरी जैसा इसको मिक्स कर ले पहले अच्छी तरह। अब हम धीरे धीरे इसमें पानी डाल के एक डो तैयार कर लेंगे कट्ठा सा। ये देखिए, डो तैयार है। अब हम हल्का सा तेल लगा के इसको 15-20 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे इसको। हल्का सा तेल का हाथ लगा ले, इसको ढक के रख देंगे। अब हम इसको ढक देते हैं। डो में तेल इसलिए लगाया ताकि ये सूखे नहीं डो और अच्छा रहे। अब ढक के रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए, आटा सेट हो गया है पूरी का। अब हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं। स्मूथ कर लिया है हमने इसको। हम लोई बना लेंगे, इसके पेड़े बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से पेड़े बना ले पूड़ी के लिए। इसमें तेल लगा लेंगे और इनको हम सबको बेल लेंगे। तेल का हाथ लगा के बेलें। तेल गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है और हम
टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी ऊपर आ चुकी है। अब एक एक करके सबको तल लेंगे। धीमी आंच कर लें। धीमे धीमे आंच में सेकने देंगे। हल्का सा प्रेस करें। ये लीजिए अरबी की खस्ता पूड़ी तैयार हो गई है। ये हमने स्पेशल टमाटर चटनी बनाई है इसके लिए। आप अचार से भी खा सकते हैं, आम के अचार से, नींबू के अचार से खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं।